और ये हमारा तालाब, आप देख सकते हो कितना बड़ा वाला है तालाब। हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और आज मैं जा रहा हूँ मेरे गांव के पास ही वाले तालाब पे। तो तालाब बहुत बड़ा है और मैंने सुना है कि अभी बहुत ज़्यादा भर चुका है, तो वही देखने जा रहा हूँ और थोड़ा घूम भी आऊँगा स्केट राइडिंग करके। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो मैं अभी तो इसी पैदल ही जा रहा हूँ, मतलब बाइक से जा रहा हूँ, बाइक में बैठ के जाऊँगा। तो आएगा कि नहीं? पब्लिक इसमें रिएक्शन दे रही है क्या? तो मैं अभी थोड़ी दूर बाइक से ही जा रहा हूँ क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है और फिर आगे से स्केटिंग शुरू करूँगा। तो यही है वो रास्ता साला ख़राब वाला, बारिश ने काम बिगाड़ दिया और ज़्यादा। पाँव ऊँचे करूँ? तो यार, पार कर लिया हमने हमारा रास्ता और अब यहीं से मैं करूँगा स्टार्ट अपनी स्केटिंग। तो अभी भाई वीडियो बनाएगा और देखते हैं, अकेले ही बनाने वाला है और अकेले चलाने वाला है। गाइस, रोड रोड पे तो मैं अभी स्केटिंग करके आ गया, लेकिन अभी यहाँ पर कच्चा रास्ता आ गया है, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा तालाब की ओर। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चला कर देख लेता हूँ मैं कच्चे में चलते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, इधर भी चलते हैं आगे। बहुत मुश्किल है रे ये तो। अब जाएगा, अब जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर नहीं चलने वाले, ये चीज रोड के लिए है, रोड पर ही चलाना पड़ेगा। अभी नहीं तो पहाड़ों पर चलाकर देखूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारे तालाब पर और आप देख सकते हैं यही है मेरे गांव का सबसे बड़ा तालाब और पानी कितना भर चुका है मंदिर के अंदर भी, फिर भी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर तो ऐसे नॉर्मली इतनी पब्लिक नहीं होती है, भीड़ नहीं होती है, मतलब थोड़े बहुत लोग नहीं होते हैं, तो आज कुछ शायद है इस कारण ये लोग आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो यही है मेरा गांव का सबसे बड़ा तालाब और आप देख सकते हैं वो जो पेड़ दिख रहा है सामने,
वहाँ से यहाँ तक पूरा गार्डन के रूप में रहता था, मतलब थोड़ा घास फूस रहती थी, लेकिन अभी तालाब पानी में भरने के कारण यहाँ पर पूरा पानी ही पानी हो गया है। और चिंटू भाई तो उधर बैठे हैं, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा शायद, वो बैठा है चिंटू, और वो बोला कि इधर वीडियो बना ला, तब तक मैं यहीं पे बैठता हूँ, बना रहा है। तो यहाँ पर देख लिया, अब हम जाते हैं ऊपर पहाड़ पर। तो गाइस आपने तालाब तो देख ही लिया होगा, अब हम जा रहे हैं ऊपर थोड़ा पहाड़ की ओर, इधर रील वगैरह बनाएंगे या फिर यहाँ पर भी स्केट चला कर देख लूँगा मैं इनको, तो अभी वहाँ पर जाके बनाते हैं। तो यार ये है हमारा पहाड़, और देख सकते हैं वो भाई आ रहा चिंटू भाई, यहाँ पर फ्लिप वगैरह करके देखूँगा अभी मैं। और ये हमारा तालाब, आप देख सकते हो कितना बड़ा वाला है तालाब, यहाँ से फुल व्यू मिलेगा, फुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन घुमा के बता देता हूँ आपको किस तरह से दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। ऊपर चलते हैं और यहाँ पर बनाएंगे अब हम रील, फ्लिप वगैरह करके देखूँगा, बहुत दिन हो गए नहीं करा। सनसेट देखो गाइस, इसको बोलते सनसेट, देखना हो तो आ जाना इधर। और वो रॉकेट, तो गाइस यार मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर ली है यहाँ पर, बैक फ्लिप और बैक हैंड स्प्रिंग दोनों ट्राई भी कर ली है, और थोड़ी देर बैठ भी लिए हम लोग। तो ये भाई तो वही है जो पहली वीडियो में गिरे थे, अगर आपने देखा होगा तो। तो गाइस बहुत मस्ती कर ली है, फ्लिप्स वगैरह भी ट्राई कर ली है मैंने, बहुत दिनों बाद ट्राई करी थी, वो भी अच्छे से हो गई है। तो अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है और थोड़ी देर बैठ के हम भी चले जाएंगे, तो अभी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, शाम हो गई है। तो अब यहीं पर आपसे मैं विदा लेता हूँ, मतलब आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए। तो बाय गाइज़।